कैसे हैं आप लोग। तो आज हम जिस मूवी की कहानी समझेंगे उसका नाम है जेजाबेल। जेजाबेल साल 2014 में आई एक सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है केविन ग्रुटर्ट ने, जिन्होंने 100 जैसी मूवीज को भी डायरेक्ट किया है। इसकी IMDb रेटिंग है 5.4 out of 10 और रॉटन टोमेटोज पे इट्स 29%। इस फिल्म में हाइती स्पिरिट्स का जिक्र है। हाइती माइथोलॉजी में वूडू के जरिए से आत्मा की अदला बदली की जा सकती है। तो आइए जानते हैं इस फिल्म की कहानी को और इसमें दिखाए गए स्पिरिट्स रिचुअल को। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तो बिना कोई वक्त गवाए आइए शुरू करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जेजाबेल उर्फ जेसी को, जो अपने मंगेतर मार्क के साथ उसके घर शिफ्ट होने वाली होती है और उनका एक बच्चा भी होने वाला होता है। तभी अचानक उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और मार्क मर जाता है, पर डॉक्टर्स जेसी को किसी तरह बचा लेते हैं। एक्सीडेंट की वजह से उसके दोनों टांगों में चोट लग जाती है जिससे वो चल नहीं पाती और वो अपने बच्चे को भी खो चुकी होती है। 2 महीने बाद जेसी अपने पिता लियोन को उसको हॉस्पिटल से ले जाने के लिए फोन करती है। दोस्तों लियोन एक नशेड़ी होता है जिसने जेसी को बचपन में ही उसकी आंट को दे दिया था उसकी माँ की मौत के बाद। वो जेसी को लेने आता है और उसे अपने पुराने घर ले जाता है और जेसी को उसी कमरे में रखता है जहाँ उसकी माँ की मौत हुई थी ब्रेन ट्यूमर के कारण। अगले दिन जेसी को एक पुराना बॉक्स मिलता है जिसमें उसे कुछ वीडियो टेप्स मिलती हैं जो उसकी माँ की होती है। वो पहली टेप प्ले करती है जहाँ उसकी माँ उसे उसके 18वें जन्मदिन पे बधाई देती है और उसके लिए टैरो कार्ड रीड करती है जिसमें डेथ लिखा होता है। वो उसे बताती है कि टैरो कार्ड रीड करना उसे मोजेस ने सिखाया है जो उसे पासी के एक लोकल चर्च में मिला था। वो जेजी को संभल के रहने के लिए बोलती है क्योंकि उसका कहना था कि उस घर में एक अनजान आत्मा का वास है। उसके बाद रात को जेसी को कोई अनजान आत्मा डराने लगती है और उसे भयानक सपने आने शुरू हो जाते हैं। एक सपने में तो उसे उसकी माँ दिखाई देती है जिसने उसे बांध रखा है और एक आधा जला हुआ ब्लैक आदमी उस पे वूडू रिचुअल कर रहा है और उसका गला दबा रहा है। अगले दिन जेसी के पिता उससे परेशान होकर उस टेप्स को जलाने की कोशिश करते हैं पर वो आत्मा उल्टा उन्हें ही जला देती है। उनके फ्यूनरल में जेसी प्रेस्टन से मिलती है जो उसका हाई स्कूल बॉयफ्रेंड हुआ करता था और अचानक उसे वही ब्लैक आदमी दिखाई देता है जिसका आधा मुंह जला हुआ है और वो बेहोश हो जाती है। प्रेस्टन उसकी मदद करता है और उसे उसके घर ले जाता है। जेसी उसे अपने सपनों वाली बात बताती है और वो उसे टेप की बात भी बताती है। प्रेस्टन उसे समझाता है कि ये उसका वहम है और कुछ नहीं और वो वहां से चला जाता है। रात को जेसी एक और टेप देखती है जिसमें उसके माता पिता सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कुछ और लोगों के साथ और वहां पे वो अनाउंसमेंट करते हैं कि उनको एक बच्चा होने वाला है। अगले दिन जेसी प्रेस्टन को लेके नदी के उस पार जाती है जहां से उसे कुछ दिनों से कुछ चमकती हुई चीजें दिखाई दे रही थी। वहां पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि वो चमकते हुई चीज कुछ और नहीं बल्कि पेड़ पे टंगे कुछ वूडूज हैं जो रोशनी से चमक रहे और वहां पे किसी की ग्रेव भी है। वो उस ग्रेव पे देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो ग्रेव जेजाबेल की है और उसकी डेथ डेट वही है जो जेसी की बर्थ डेट है। प्रेस्टन को लगता है कि शायद जेसी की कोई ट्विन सिस्टर रही होगी जिसके बारे में उसके पिता ने उसे नहीं बताया होगा। जेसी उसे बताती है कि अगर उसकी कोई ट्विन सिस्टर होती तो उनके नाम अलग होते, दोनों के नाम जेजाबेल नहीं होते। उस ग्रेव में उन्हें बच्चे का स्केलेटन मिलता है जिसे वो शेरिफ को दे देते हैं जांच पड़ताल करने के लिए। उसके बाद जेसी और प्रेस्टन मिसेस डेविस के पास जाते हैं। मिसेस डेविस उनके दोस्त की माँ होती है जो मोजेस के बारे में बात किया करती थी। मिसेस डेविस जेजाबेल को देखते ही हाइती में कुछ बोलने लगती है और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। उसके बाद वो दोनों मोजेस के चर्च जाते हैं जहां उन्हें मोजेस की फोटो मिलती है और उसके मौत की डेट भी वही थी जो जेजाबेल की बर्थ डेट थी और उसकी ग्रेव पे लिखी हुई डेट भी सेम थी। अचानक वहां कुछ आदमी आ जाते हैं जो उन्हें वहां से भगा देते हैं। उसके बाद प्रेस्टन जेसी को वो घर छोड़ने की सलाह देता है
और वो दोनों घर वापस जाते हैं और पैकिंग करना स्टार्ट करते हैं। तभी एक अनजान लड़की प्रेस्टन पे अटैक कर देती है जिससे वो जख्मी हो जाता है। तभी शेरीफ वहां आते हैं और प्रेस्टन को हॉस्पिटल ले जाते हैं। जेसी अब घर में अकेली होती है जहां वो आत्मा जेसी को एक लास्ट टेप प्ले करवाती है जिसमें जेसी की माँ जेसी के सर पर खून से प्लस का साइन बनाती है और हाइती में कुछ बोलती है और अपने आप को शूट कर लेती है और मर जाती है। दोस्तों उस टेप में उसकी माँ रो रही होती है और कहती है कि मोसेस आर डेड। तभी वहां उसकी माँ की आत्मा आ जाती है और जेसी को सच्चाई का पता चलता है। दोस्तों हुआ ये था कि जेसी की माँ मोसेस से प्यार करती थी, लियोन से नहीं, और वो मोसेस से प्रेग्नेंट भी थी। जब उसने बच्ची को जन्म दिया तो उसने वाइट बच्ची की जगह ब्लैक बच्ची को जन्म दिया, जिससे लियोन को पता चल गया कि वो बच्ची उसकी नहीं मोसेस की है, जिसके पास उसकी बीवी गैर मौजूदगी में जाया करती थी। गुस्से में आके लियोन ने उस ब्लैक बच्ची को मार डाला और मोसेस को भी जिंदा जला दिया। उसके बाद उसने एक वाइट बच्ची को गोद ले लिया जिससे कि किसी को पता ना चल सके कि उसकी बीवी ने एक ब्लैक बच्ची को जन्म दिया, और ये राज छुपाने के लिए उसने उस बच्ची को गोद ले। और उसी रात जेसी की माँ ने आत्महत्या की क्योंकि वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। मरने से पहले उसकी माँ ने एडॉप्टेड जेजाबेल के माथे पे प्लस का साइन बनाया था जो कि एक रिचुअल का पार्ट है, जिससे वो ब्लैक जेजाबेल की स्पिरिट उस एडॉप्टेड जेजाबेल के शरीर में प्रवेश कर सके जब भी वो उस घर में आ। उसकी माँ और मोसेस की आत्मा जेसी को बांध देते हैं और रिचुअल स्टार्ट करते हैं और उसे पानी में ढकेल देते हैं। तभी वहां जेजाबेल की आत्मा आती है और जेसी का ब्रेसलेट ले लेती है और उसके शरीर में घुस जाती है, और जब वो पानी से बाहर आती है तो वो जेसी नहीं होती बल्कि जेजाबेल होती है। वो प्रेस्टन को किस भी करती है और शेरीफ को अपना नाम जेसी ना बता के जेजाबेल बताती है और मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों इस मूवी में हाइतियन माइथोलॉजी दिखाई गई है जिसमें वूडू से पुरानी जेजाबेल की आत्मा ने जेसी की आत्मा को उसकी बॉडी में रिप्लेस कर लिया। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए